हेलो एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम शुरू करेंगे अपना 6 मार्च का प्रीलिम्स डिस्कशन, जिसमें हम साइंस एंड टेक का रिवीजन भी साथ साथ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या करेंगे, देखते हैं करंट अफेयर्स, पीआईबी, साइंस एंड टेक और पॉलिटी के आर्टिकल्स। मैं बताना चाहूँगा, आज हिंदू में प्रीलिम्स के ओरिएंटेशन ज़्यादा कुछ था नहीं, ना ही पीआईबी में था बेसिक। बस प्रेजिडेंट ने कुछ भाषण दे जिनका हमें ज़रूरत नहीं है वैसे प्री के परस्पेक्टिव से। तो लेट्स बिगिन। ये आप देख रहे हैं, ये है आईएनएस विराट, इंडिया का दूसरा जो फ्लैगशिप जिसे कह सकते हैं कि वो था। और इस खैर इसको बाद में कवर करेंगे, पहले देखते हैं दो चीज न्यूज़ है। ये डिकमीशन हो गया आज आईएनएस विराट, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पर एक अच्छा आर्टिकल भी आज। कोलेरू लेक सूख रही है, जिसके पास अटापका बर्ड सेंचुरी है, जो जो भी साथ साथ सूखती जा रही है, इसकी वजह से यहाँ की बर्ड्स माइग्रेट कर रही हैं। और देखिए कोलेरू लेक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोलेरू लेक कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रामसार कन्वेंशन के हिसाब से डिक्लेयर्ड एज अ वेटलैंड। ठीक है, अब रामसार कन्वेंशन कहाँ है, रामसार ईरान में है, वेटलैंड क्या होते हैं, ये इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप अगर आपने नहीं कवर किया तो हम बाद में देखेंगे, पर कोलेरू लेक क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि रामसार साइट है, हर साल गर्मियों में सूख जाती है। ठीक है, और अभी इस बार फिर अभी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है ये, इसकी वजह से वहाँ पर जो एक कोलेरू बर्ड सेंचुरी भी है उसमें भी कई सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारी बर्ड माइग्रेट करती है, जिनमें कि जैसे हो गई आपकी जो साइबेरियन क्रेन है, ये सारी बर्ड्स हो गई, या और भी कई सारी बर्ड्स हैं। देखिए बर्ड्स स्पेसिफिकली जो बर्ड्स हैं आपको उतनी याद नहीं रहती, आप क्रिटिकली इंडेंजर्ड की जो स्पीसीज की लिस्ट आती है, जो बर्ड वगैरह होती है वो रट लें तो काम हो जाता है आई थिंक। तो ये एक बर्ड सेंचुरी है जिस पे खतरा मंडरा रहा है। कोलेरू बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी के बीच में पड़ता ही है, पर क्योंकि साल भर यहाँ पर वाटर नहीं आता पानी, इस वजह से सूख जाती है। और ये 2002 में इसको एक वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया था रामसार कन्वेंशन के हिसाब से, मतलब इसीलिए कोलेरू बर्ड सेंचुरी भी यही है। तो और आईएनएस विराट को डिकमीशन कर दिया गया है। तो बात ये चल रही है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल रखा है कि क्यों इसके जगह पे एक लग्जरियस होटल खोला जाए, ठीक है, ना कि जंक यार्ड में भेजा जाए, सॉरी स्पेलिंग गलत है जंक यार्ड की। तो देखिए इससे पहले आईएनएस विक्रांत, जो एक और इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर था, जिसको सॉरी ये तो विराट हो गया, विक्रांत जिसको शिपयार्ड में आखिरकार डिकम्पोज किया गया था, जिसपे एक बजाज ने अपनी बाइक भी मार्केट में लॉन्च कर दी थी। तो विराट को लेके बातें हो रही है कि इस पे एक लग्जरियस होटल खोला जाए, क्योंकि अमेरिका में ऐसा हो चुका है कई बार। तो याद रखिए विराट इंडिया का दूसरा सबसे जो एयरक्राफ्ट कैरियर था, दूसरा सेकेंड वाला था, पहला कौन सा था, पहला विक्रांत था, विराट था, विक्रांत फिर से आने वाला है, मतलब जिसकी रशिया से ग्रोशकेव की जो बात हो रही है। तो ये आज की न्यूज़ थी इंपॉर्टेंट। और एक ये लोपी नेवर सिरप, सिरप जो है जो कि बच्चों के लिए एचआईवी ड्रग का काम करता है, खत्म हो रहा है, क्योंकि सिप्ला जो इसका इकलौता मैन्युफैक्चरर है उसको पैसे नहीं मिले, इस वजह से उसने हेल्थ मिनिस्टर को कह दिया ईमेल लिख के कि भाई हमसे ना हो पाएगा, पहले पैसे लाओ उसके बाद दवाइयाँ ले जाओ। तो ये दिखाता है कि हमारी ये देखिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, फिर भी देखिए लोपा नेवर, मैं शायद प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, लोपी नेवर जो भी हुई है, सिर्फ ये चिल्ड्रन फ्रेंडली ड्रग है, ये सिर्फ इसलिए डाला मैंने क्योंकि यहाँ दो इश्यूज आते हैं। एक गवर्नमेंट की हद तक अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोग अफोर्डेबल हेल्थ केयर देने की, उसमें किस हद तक सफल हो पा रही है, क्या समस्याएं हैं, और ये चिल्ड्रन को लेकर है, जो बच्चों ने हमारे प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा है। एक और इसमें मुद्दा है कॉर्पोरेट एथिक्स की बात है, कि अगर आप एक जेनरिक ड्रग बनाने वाली कंपनी जैसे सिप्ला, तो इसकी जो अपनी इथिक्स है, क्या वो इसको कहता है कि क्योंकि पेमेंट के इश्यूज चल रहे हैं तो वो दवाई बंद कर दे, जो कि जिसपे कई करोड़ों लोगों की, लाखों लोगों की जान पे खतरा आ जाता है। तो एथिक्स पेपर 4 की केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसी सिचुएशन अगर आएगी तो आप क्या कहेंगे। देखिए ये भी बिजनेस करने आए सिप्ला वाले, और यहाँ पर इनके पास पैसे नहीं है, तो आप पेमेंट नहीं दे रहे हो, सरकार क्या करे या क्या कदम उठाना चाहिए, ये केस स्टडी है जो आप डिस्कस कर सकते हैं पेपर 4 के लिए। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये। तो खैर अगला पॉइंट पे आते हैं। साइंटिस्ट ने एक बहुत अच्छी खोज की है, उन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के एक शॉर्ट मूवी को और कुछ डेटा को डीएनए में स्टोर कर दिया है। तो डीएनए में स्टोर करने से क्या होगा कि पहली बार कहीं पर बायोलॉजिकल स्टोरेज डिवाइसेस क्रिएट हो रहा हुए जा रहे हैं। आज तक कहाँ स्टोर करते थे, वो सीडीज में या फिर फ्लॉपीज में, फिर सीडीज में, फिर ब्लूरेज में, फिर यहाँ वहाँ पेन ड्राइव में, तो जो कि बाद में डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन जो डीएनए का स्टोरेज है, जो बायोलॉजिकल स्टोरेज है, वो फिर हजारों साल तक चलता है। अब देखिए इसके साथ कुछ एथिकल कंसर्न्स यहाँ भी आ जाते हैं। आप बायोलॉजिकल जब स्टोरेज शुरू कर दोगे तो क्या ये हमारे बायोलॉजी, हमारे जो बायोलॉजिकल जीने का तरीका, उसके खिलाफ नहीं है क्या ये? यहाँ भी मेडिकल जो फील्ड है वो अपनी सीमाओं से बाहर नहीं निकल रही। देखिए उन्होंने असल में किया क्या, एक एल्गोरिदम डिज़ाइन किया है जो कि डीएनए के फुल स्टोरेज पोटेंशियल को यूज़ करेगा। कैसे? क्योंकि जो उसके डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं,
उनके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, ठीक है। देखो डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो उसमें चार न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिसके अंदर ये डेटा भर देगा, वीडियो वगैरह स्ट्रीम करने में भी, तो जो सेलफोन का यूज़ किया था एल्गोरिथम वो डेटा भरने के काम आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि डीएनए के अंदर डेटा भरने की बात हो रही है। ये एक आइडियल स्टोरेज मीडियम है डीएनए, क्योंकि हज़ारों साल तक चलता है ये। इंसानों के जो डीएनए हैं वो थाउजेंड ऑफ ईयर तक रखे जा सकते हैं अगर वो एक ठंडी और सूखी जगह पर रखी जाए। तो ये कोडिंग स्ट्रेटेजी है जो 215 पेटाबाइट्स का डेटा एक सिंगल ग्राम ऑफ डीएनए में डालता है, जो कि जो इन साइंटिस्ट है एरलिक, इनका कहना है कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट डेंसिटी स्टोरेज डिवाइस अभी तक जो बना है वो है ये। तो कहाँ पर डेटा डाल रहे हैं, डीएनए में। तो यही है दुनिया आगे की, कि आप देखिए बायोलॉजिकल डीएनए तैयार हो रहे हैं। अब देखिए डीएनए क्या होता है, एक बेसिक इंट्रो कर लेते हैं। डीएनए क्या होता है हमें पता है, जिसके अंदर हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि हम कैसे, जो भी हमारे जीन जेनेटिक्स, जो भी हमारा जीन ट्रांसफर होता है वो डीएनए के थ्रू होता है। डीएनए डिटरमाइन करता है कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, हम कैसे बड़े होंगे, हमारा चेहरा कैसा होगा, हमने माता पिता की तरह क्यों दिखते हैं, या फिर हमारी बॉडी के फीचर्स क्या होंगे, ठीक है, या हम गोरे होंगे, या हम काले होंगे, या हम ब्राउन होंगे, या हम कैसे होंगे। तो डीएनए जो है वो मॉलिक्यूल से बनता है जो कि है न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। हर न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर एक शुगर ग्रुप होता है, एक नाइट्रोजन बेस होती है, और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। चार नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनाइन, थायमाइन, गैलाइन और साइटोसाइन। देखिए चार चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं से आपका पूरा डिटरमाइन का जीन का स्ट्रक्चर या कोड बनता है। जैसे अगर आपका ATGC है, कैपिटल या स्मॉल में मान लीजिए, ठीक है, ATGC है, वो गलती से अगर कैपिटल की जगह स्मॉल आ गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कैपिटल स्मॉल अल्फाबेटिकली होता है, बट फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक हल्की सी ये चेंज आ गई तो आपको कैंसर हो सकता है, ठीक है, या फिर आपको कोई पार्किंसन डिजीज या कुछ ऐसी बीमारी हो जाएगी जो बहुत ही खतरनाक है। तो हल्का सा थोड़ी सी भी जो इसमें मूवमेंट होती है, इसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। और डीएनए की इंस्ट्रक्शन जेनेटिक कोड क्या डिटरमाइन करता है, नाइट्रोजन बेसिस कौन कौन से, एडेनाइन, थायमाइन, गैलेन और साइटोसाइन, ये आपको पता होना चाहिए, जनरल साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और डीएनए की सिक्वेंसिंग की होती है, डीएनए सिक्वेंसिंग होती है हमें पता करने के लिए ऑर्डर क्या है उसका, बेस जो उसके अंदर है उसका ऑर्डर क्या है। ये 2000 में इसका हो गया, तब ह्यूमन जीनोम की पूरी लिस्ट रिसर्चर्स ने बना लिया। इंडियन जीनोम पे भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है क्योंकि इन्होंने पहले जो जीनोम चलाया था प्रोजेक्ट, उसमें इंडियन जीनोम को स्पेशली टारगेट नहीं किया गया था। जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो दो लॉन्ग स्ट्रैंड्स होते हैं स्पाइरल के, जिसके आसपास स्ट्रक्चर करके डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है। अगर आपने 9th में बायोलॉजी पढ़ी थी तो आपको याद होगा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये देखिए ये है, ये आपका साइटोसाइन है, ये इसके रिंग स्ट्रक्चर है। आपको याद है बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या था 9th में या फिर 10th में, अगर आपने बायोलॉजी आगे नहीं पढ़ी है तो। आई थिंक साइंस बैकग्राउंड वालों को तो बहुत ईजी है, बस इतना मैं करना नहीं है। देखिए बेस पेयर है और ये हमारा शुगर फॉस्फेट बैकबोन है जिसके ऊपर ही आपकी बेस पेयर्स फॉर्म होते हैं। ये आरएनए है, ये डीएनए है, दो चीज़ें हो गई। एक बेसिक सबसे उतना याद करने की जरूरत नहीं, आप चार प्रोटीन वगैरह क्या है देख लीजिए, और इन्होंने वहाँ स्टोर करना शुरू कर दिया, ये बात है। न्यूक्लियोटाइड में वो डेटा स्टोर करें, दैट इज द ओनली थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, बाकी कुछ उतना महत्वपूर्ण इसमें है नहीं। तो ये जानना काफ़ी है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आज मुझे आर्टिकल्स में कुछ जान लगी नहीं, प्रीलिम्स के हिसाब से ज़्यादा कुछ था नहीं, ना ही पीआईबी में, ना ही न्यूज़पेपर्स में, तो शुरू करते हैं। देखिए टाइम कांस्टेंट को लेकर कुछ लोग बात कर रहे थे, तो मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि देखिए जैसा जैसा आर्टिकल होता है हम कोशिश करते हैं कि इसको मिनिमम टाइम में खत्म किया जाए, पर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें डिफाइन करना पड़ता है, वहाँ मजबूरी है कि आप उसको लेके भाग नहीं सकते, क्योंकि सबका लेवल एक बराबर का नहीं होता, कुछ लोगों को बेसिक्स पता नहीं होती, तो हम उसको भी कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए आज साइंस एंड टेक में हम करेंगे स्पेस टेक। स्पेस टेक में पहला जो मैंने कल मार्स ऑर्बिटर मिशन किया था, आज हम करेंगे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2। चंद्रयान की एक स्पेशलिटी थी चंद्रयान, इंडिया मून पे जाने वाली चौथी कंट्री बन गया, और चंद्रयान 2 भी जल्द आने वाला है। तो चंद्रयान 1 के बारे में जानते हैं, चंद्रयान 1 कैसा था और क्या था। ये एक ऑफकोर्स एक मून मिशन था जो नाम से ही पता, चंद्रयान। तो ये डायरेक्टली ऐसे क्या हुआ कि इस पर लॉन्चर बनाया और सीधा उड़ के चांद पे नहीं चला जाए, पहली बात तो ये क्लियर है, क्योंकि इनके पास फ्यूल कम थे और हमेशा की तरह इसरो को सरकार ने पैसे कम दिए, तो इसरो ने हमेशा की तरह अपने आप को प्रूव किया कि वो सस्ते से सस्ते खर्चे पर बड़े से बड़े मिशन को अंजाम दे सकता है। देखिए ये पर देखिए ये यहाँ से उड़ा, पहले इसने सर्कल मारे ताकि ये सेंट्रिपिटल जो यहाँ का जो इसका फोर्स है ग्रेविटी से बाहर निकल सके सेंट्रिफ्यूगल फोर्स का यूज़ करते हुए, ठीक है। फिर लूनर इंजेक्शन हुआ, फिर मिड कोर्स करेक्शन करने के बाद ये यहाँ ऐसे ट्रेजेक्ट्रीज की आई और तब ये घूम घूम के इसमें घुसा, ठीक है। तो ऑर्बिट हमेशा इसका ऐसे ही था कि देखिए बेसिकली इसकी लाइफ टाइम 2 साल की थी और 55 किलो का पेलोड था। जब इनिशियली ये गया था तो कहा गया था ये डेमोन्स्ट्रेशन मिशन है, मतलब कि इसका कोई इंटरनेशनली ऐसा काम नहीं होगा, कुछ बड़ा ये करेगा नहीं, पर इसने पानी के कुछ ट्रेसेस मंगल चंद्रमा पे पता लगाया जो काफ़ी चौंकाने वाले थे, और इसे एक ब्रेक थ्रू माना जाता है। तो बेसिकली ये लॉन्च व्हीकल था। अब देखिए लॉन्च कब हुआ था, 2008 में लॉन्च हुआ था श्रीहरिकोटा से, और ये मून के 100 किलोमीटर की हाइट तक वो कर रहा था, और इसने लूनर सरफेस पे केमिकल, इसको जाना मतलब इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था ये था कि जो केमिकल या फिर फोटोजियोलॉजिकल मैपिंग करना मून की, ठीक है, कि क्या उसका जो बनावट है उसके अंदर की केमिकली या जो भी उसका
वातावरण का बनावट है उसके बारे में पता करना। सैटेलाइट ने लगभग 3,400 ऑर्बिट्स लिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये मिशन खत्म हुआ जब इसके साथ संपर्क टूट गया 29 अगस्त 2009 को। देखिए चंद्रयान के साथ इसरो का संपर्क टूटा था 2009 के आसपास, परंतु उससे पहले इसने जो अपना काम था लगभग 95% तक पूरा कर लिया था, ठीक है। तो इसे एक बहुत ही सक्सेसफुल मिशन माना गया। ये बात एक और है कि चंद्रयान जब गया था, चंद्रयान ऐसे सीधा जगह लैंड नहीं हुआ, टारगेट लैंडिंग नहीं हुई थी, इसका प्रोब नीचे गया था। जैसे ये अगर आपका ये मान लो कि ये आपकी सेटेलाइट है, ठीक है, सेटेलाइट है, इसके अंदर से एक प्रोब उतरा नीचे, ठीक है, उसको वो एक क्रेटर से टकराया था, जिसे कह सकते हैं गड्ढा से, जिसका नाम था शेकलेटॉन, ठीक है। और उससे इसने सब सर्विस सॉइल निकाला था, मतलब उसको उसको इजेक्ट करने के बाद उसके अंदर से इसने मिट्टी निकाली, ठीक है, जो उसको एनालाइज किया और इसको पता लगा कि यहाँ पर ल्यूनर वाटर आइस थी, ठीक है। तो कहाँ पे टकराया था, ये चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे। क्रेटर का नाम था शेकलेटॉन। हालांकि ये क्वेश्चन अगर आना होता तो आ गया होता अभी तक, पर अब तक नहीं आया है, तो जस्ट चिल। बट फिर भी मैं जानने लेना चाहिए, क्या पता क्वेश्चन आ जाए। शेकलेटॉन नाम इजी है, स्केलेटन के टर्म पर शेकलेटॉन कर सकते हैं। वहां पर इसने लिक्विड आइस निकाली, लिक्विड वाटर, ल्यूनर वाटर आइस का खोज किया था। तो चंद्रयान 2 जो मिशन है इंडिया का, जो कि शायद अगले साल 18 में लॉन्च होने वाला है, या फिर इसी साल 18 में लॉन्च होगा, जिसमें आपको ये प्लैंड लैंडिंग होगी और कोशिश की जाएगी कि इसको वापस लाया जाए टेक ऑफ के थ्रू। तो चंद्रयान में लूनर सर्फेस पे गया था एक पूरा मैप तैयार करने, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, उसका रासायनिक जो उसकी खासियत है क्या है, और इसकी 3 डायमेंशनल टिपोग्राफी चेक करने के लिए कि क्या रासायनिक या इसकी भौतिक बनावट कैसी है। इसके पोलर रीजन जो थे वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट के पात्र थे, क्योंकि वहाँ उम्मीद थी कि वहाँ पे बर्फ मिलेगी, पर इस पर रिसर्च चल ही रहा था। सबसे बड़ी इसके जो इसकी डिस्कवरी अचीवमेंट थी वो थी वाटर मॉलिक्यूल्स का पता लगाना लूनर सॉइल में, कहाँ पर शेलेटॉन में घुसा था ये, इसने वहाँ से मिट्टी निकाली थी, ये था आपका शेकलेटॉन, ठीक है। और ये था चंद्रयान 2, 2018 के अर्ली फेज में लॉन्च होने वाला है, जिसे GSLV के थ्रू भेजा जाएगा। इसके अंदर एक लूनर ऑर्बिटर होगा, एक लैंडर होगा, एक रोवर होगा, सब कुछ डोमेस्टिकली बिल्डअप होगा। देखिए चंद्रयान 1 में कुछ चीज़ें थी जो बाहर से आई थी, जैसे चंद्रयान 1 में इंडिया ने ESA के साथ, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के से कुछ मदद ली थी। इसके अलावा जो बुल्गेरियन आई थिंक वहाँ का भी कुछ इन्होंने फ्री में कैरी किया था, पर चंद्रयान 2 में सब कुछ, लॉन्चर, ऑर्बिटर, रोवर, सब कुछ डोमेस्टिकली बना होगा। और ये डिजाइन करेगा कंट्रोल डिसेंट के लिए, कि मतलब पूरा कंट्रोल के मून पे आएगा और रिसर्च कर पाएगा। तो इसका एक बहुत ही ज़्यादा एनलार्ज वर्जन है, इस इम्प्रूव वर्जन है ये चंद्रयान। अब देखिए मैंने चंद्रयान 1 में जो मिशन था इसकी डिटेलिंग में मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया आपको, क्योंकि मुझे लगा कि चंद्रयान 1 के अब उतने ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं। चंद्रयान 2 अगले साल आने वाला है और ये इक्विप्ड होगा, ग्राउंड ट्रायल करेगा, अभी महेंद्रगिरी में इस पे काम चल रहा है। तो ये चंद्रयान 2 हो गया। एक जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये है नाविक नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिटेशन, मतलब IRNS, जिसे कहते हैं कि इंडियन रीजनल नेटवर्क जो बना, इसका नाम नाविक में रखा गया। नाविक मतलब नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 7 सेटेलाइट्स हैं, जो कि इंडिया का देसी GPS होगा, या फिर जो इंडिया का देसी ग्लोनास होगा। ग्लोनास कहाँ का, रशिया का, GPS कहाँ का, अमेरिका का, और एक है बाइडू, वो है चाइना का। तो इंडिया चौथी कंट्री बनेगी, एक यूरोप का, मुझे शायद उसका नाम याद नहीं है मुझे। तो इसमें 7 सेटेलाइट हैं और 2 स्टैंड बाई सेटेलाइट्स हैं। तो नाविक क्या करेगा, एक आपको रियल टाइम पोजिशन देगा और टाइमिंग सर्विसेज देगा कि 1500 किलोमीटर के रेडियस तक इंडिया के मैप पर इस एरिया में तो पता कर पाया क्या लोकेशन है, कहाँ पर इन्वायरमेंटल मीटोलॉजिकल डेटा हुआ है, क्लाइमेट रिसर्च के लिए भी काम आएगा, और आपको एक्जैक्ट लोकेशन पता रहेगी, जिससे कई सारे फायदे हैं आपको। और क्योंकि GPS के साथ कोऑर्डिनेट करेगा ये, तो इंडिया का डेटा की एक्यूरेसी प्रिसाइज हो जाएगी और बढ़ जाएगी। और इमरजेंसी केसेस में, जैसे सीरिया में देखा गया था कि जो वो लोग GPS का यूज़ करते थे, तो उनको IS, या फिर इराक वॉर के दौरान उनको जो वो लोकेशन दिखाते थे वो गलत दिखाती थी इनकी सेटेलाइट, और इनको सही लोकेशन दिखाती थी। 1999 कारगिल वॉर और उससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ, 1999 में हुआ था कि इंडिया को काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ी थी लोकेशन के हिसाब से, क्योंकि अमेरिकन सेटेलाइट्स पर भरोसा नहीं किया सकता था, क्योंकि उस टाइम में इन्होंने उसका सपोर्ट नहीं किया था। तो अब इंडिया के पास अपनी सेटेलाइट होगी, जो कि इमरजेंसी में तो काम करेगी, नॉर्मली भी जो जो लोग रात अपने मछुआरे हैं, या आपका मौसम विभाग है, या टेक्निकल जो भी कार्य है, हर तरह से मदद मिलेगी। और ये एक और खास बात इसमें यह कि ये गया था PSLV XL से, जो कि इसका लगातार 34वां सक्सेसफुल मिशन था। इसी एक्सएल वेरिएंट पे चंद्रयान, मार्स ऑर्बिटर मिशन, एस्ट्रोस्टेट और ये सारे गए थे, जो जिस पर IRNSS गया है। तो कौन पे गया ये, PSLV XL पर, और इसमें 7 सेटेलाइट हैं और 2 स्टैंड बाई की सेटेलाइट हैं। अब देखिए देगा क्या, मतलब जो इसका बेसिक प्राइमरी
जो सर्विस प्रोवाइड करेगा दो है, एक है स्टैंडर्ड पोजीशन सिस्टम, एक है रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। स्टैंडर्ड पोजीशन सिस्टम बिल्कुल जो जीपीएस है उसकी तरह काम करेगा कि आप कहाँ हैं, आपकी लोकेशन क्या है, रेडियस वगैरह सब पूछेगा, जो नॉर्मल जो आपको एक जीपीएस देता है सभी यूजर्स को मिलेगा ये। पर जो आरएस है, रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज हैं, ये केवल ऑथोराइज यूजर्स को मिलेंगी, जिस पर्टिकुलर एरिया के लोगों को जो चाहिए, ठीक है। जैसे आर्मी को लोकेशन सर्विसेज स्पेशली मिलेंगी, या फिर रियल टाइम सर्विसेज अगर आर्म फोर्सेज को चाहिए, या फिर ट्रैफिक पुलिस, जो ऑथोराइज पर्सनल है उनको अगर कोई स्पेसिफिक नीड चाहिए तो उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज होती है। आम जनता के लिए आईएसपी एसपीएस मतलब स्टैंडर्ड पोजीशन सिस्टम होती है। इंडियन रीजनल नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट, आई थिंक इसकी फुल फॉर्म है आईआरएनएसएस। तो देखते हैं, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, सॉरी मैं एक वर्ड खा गया था इसका। तो देखते हैं, एक मैप है जो काफी अच्छा लगा मुझे। 7 सैटेलाइट होंगी, 3 जियो स्टेशनरी, 4 जियो सिंक्रोनस। तो 3 जियो स्टेशनरी होंगी जिनकी लोकेशन एग्जैक्टली रहेगी, जियो सिंक्रोनस आपको पता है मूव करते टाइम एंगुलर, देखिए अगर ये अर्थ है, सॉरी मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, ये अगर अर्थ है तो अगर इसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ पर आपका अर्थ का लोकेशन है, ये आपका जियो सिंक्रोनस अगर है तो इसकी वर्ट जो ये एंगल होगा इक्वेटर के बराबर 90, हमेशा एक एंगल पे नहीं होगा, ठीक है। अगर जियो सिंक्रोनस है, अगर जियो स्टेशनरी है तो एंगल भी सेम होगा, जियो सिंक भी इसी के आसपास घूमेगा पर एंगल उसका वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये इसमें 3 सेटेलाइट है जियो स्टेशनरी, 4 है जियो सिंक्रोनस, और 36,000 किलोमीटर का ऑर्बिटल एटीट्यूड है इसका, अल्टीट्यूड है, कीमत से मिले नहीं। और इसमें स्पेशल रिसीवर लगेंगे जो भी डेवलप करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें एक ग्लिच आ गया था हाल में, एक एटॉमिक वॉच क्लॉक थी वो खराब हो गई थी, जिसको चेंज करने की कोशिश से चाह रही है। हमें उतना नहीं करना, स्टार सेंसर है, प्रोपेलेंट टैंक, सोलर पैनल, इसे हमें पता करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कितनी सैटेलाइट्स हैं, जियो सिंक्रोनस क्या है, जियो स्टेशन कितने हैं, और स्टैंडर्ड प्रोविजनिंग सर्विस देगा सभी को देगा, एक्यूरेसी कितनी होगी, एक्यूरेसी 20 मीटर तक से भी ज़्यादा बेहतर होगी। और ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली बहुत जरूरी है भारत के लिए, अगर पाकिस्तान वॉर हो या कहीं इस पूरे रीजन पर नजर रखने के लिए इंडिया के लिए बहुत काम आएगा ये। ऑफकोर्स ट्रांसपोर्टेशन या उन सब चीज़ों की जो इसकी महत्वता है वो तो अलग से है ही। तो शायद अगले साल स्टार्ट हो, इसी साल स्टार्ट हो जाएगा ये। अब देखिए, जैसे इसकी बात हुई उसी तरह नाविक के बाद एक गगन आता है, जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम, ठीक है, जीपीएस एडिड जो जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और जो अपना इसरो है, दोनों ने मिलकर ये डेवलप किया गगन। ये सिस्टम इसलिए डेवलप किया गया कि अभी तक जो इंडिया की एयरलाइंस थी, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हल्की सी धुंध पड़ती थी या फिर कुहासे छाते थे तो वो बहुत लेट चलती थी, और जो प्रिसाइस लोकेशन है इंडियन एयरलाइंस की मूवमेंट की, वो काफ़ी हद तक यूरोपियन या अमेरिकन सैटेलाइट्स पर निर्भर थी, जो काफ़ी दिक्कत खड़ी करता था एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए। क्योंकि जैसे जैसे इंडिया डेवलप कर रहा है, इंडिया के एयर ट्रैफिक्स बढ़ते जा रहे हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा फ्लाइट्स यूज़ करते हैं, तो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट में समस्याएं होती थी। अब इसके बाद मॉडर्न मॉडर्न कम्युनिकेशन यूज़ हो रही है पहली बार, और सर्विलेंस और एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इंडियन एयर स्पेस में काफ़ी ज़्यादा सुधर जाएगा, और सिक्योरिटी भी बढ़ेगी, मैनेजमेंट भी बढ़ेगी, और सब कुछ सही हो जाएगा ऐसा माना जा रहा है, जो कि अब स्टार्ट होने वाला है। एक सर्कुलर हाल में आया था कि आगे से जो भी एयरलाइंस होंगी इंडिया में वो गगन स्पेसिफाइड यानी गगन कंपैटिबल होनी चाहिए, ऐसी बात की है एआईआई ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। इसका इसका गोल क्या है, इसका गोल है नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइड करना सभी फ्लाइट के फेजेस को, जो भी इंडिया का एयर स्पेस है, या फिर कह सकते हैं इंडियन एयर स्पेस नहीं, जो भी सार्क का एयर स्पेस है, अड़ोस पड़ोस के देश साउथ एशिया के, इन सब के एयर स्पेस में क्या क्या पोजिशनिंग होगी, कैसे नेविगेशन करना है, वो करने में मदद मिलेगी। अभी नेविगेशन काफी ज्यादा ज्यादा फ्लाइट होते हैं, देखिए ऐसा तो है नहीं कि प्लेन उड़ा आसमान से सीधा जगह पर पहुंच गया, तो जो भी प्लेन उड़ता है उसकी एक पूरी फ्लाइट की ट्रेजेक्ट्री होती है कि वो कहाँ से उड़ेगा, क्या लोकेशन जाएगी, कैसे फॉलो करेगा। तो अब ज्यादा फ्लाइट्स के साथ समस्याएं बढ़ती जा रही थी मैनेजमेंट की, आप बार बार सुनते होंगे एयर इंडिया का जेट टकराते हुए बचा, कोई जेट इंडिया कहीं टकराते हुए जा रहा था बच गया किसी तरह, तो वो जो लोग लटके हुए किसी तरह बचते हैं, तो उनके सेफ्टी कंसर्न बढ़, इससे सेफ्टी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो ये गगन आपका जीपीएस एडिड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम, और ये आपका आईआरएनएसएस है, बाद में गगन को इसी से जोड़ दिया जाएगा आईआरएनएसएस से बेसिकली। अब ये देखिए क्या है गगन की कन्फिग्रेशन क्या है, जैसे ये आपकी फ्लाइट है तो एक सैटेलाइट यहाँ से इसको ट्रैक करेगी, डेटा मिलेगी, डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा नीचे आपका, जहाँ पर आपको पता लगेगा कि बेंगलोर में जो सेंटर होगा इसका, कि अभी इसकी क्या लोकेशन है, कहाँ जाना है, G-Sat 15 आपका ऑर्बिट में एक्स्ट्रा घूम रहा है, ये आपको ये लोकेशन बताएगा अभी कहाँ है, मूवमेंट किधर है, इसकी एक डिटेल यहाँ आएगी। तो आप देख सकते हैं कि एक पूरी सिक्योर, ये आपको ऊपर जीपीएस कॉन्स्टलेशन है, मतलब आपके वो जो एग्जैक्टली डेटा प्रोवाइड करेंगे लोकेशन कहाँ का है, तो इससे आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि आगे के लोकेशन का है, मूवमेंट कहाँ कर रहा है प्लेन, और तो उसको आप नेविगेट इजीली करा पाएंगे, कहीं भी भेजना या कहीं से लाना, मूव कराना बहुत इजीली हो जाएगा। दिल्ली बेंगलोर में इसके सेंटर्स होंगे, और
बेसिकली इतना ही है गगन में, और IRNSS भी हमने कर ही लिया। ये देखिए इसकी एक बार लोकेशन देख लेते हैं क्या होगी। इस तरह से एक इसने एक कॉन्स्टलेशन एक वृहद रूप से सेमी सर्कल टाइप बना हुआ है लोकेशन, ताकि एक्जैक्टली बता रहे हर एंगल से कि आप कहाँ कहाँ हैं। तो ये हो गया आपका गगन और आपका नाविक। अब जाते हैं एयर टेलीस्कोप पर, आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडिया, इसकी ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन साइंसेस की ने एक टेलीस्कोप स्थापित किया है देवभूमि नैनीताल में, ठीक है। और सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप होगा ये एशिया का, और इंडिया का पहला ऑप्टिकल टेलीस्कोप होगा ये, जो कि जॉइंट कोलेब्रेशन है इंडिया रशिया और बेल्जियन साइंटिस्ट का। तो इससे क्या होगा, इससे इनको पता लगा कि जो भी लॉन्ग टर्म मूवमेंट है इसके बारे में, और ये काफ़ी मतलब उतना डिटेल में नहीं जाना, आपको मदद मिलेगी कि जो भी ऑप्टिक्स के बारे में रिसर्च करने में मदद मिलेगी। तो एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। एक और टेलीस्कोप जो बनने वाला है वो है आई थिंक मस्त, हाँ, मल्टी एप्लीकेशन सोलर सिस्टम सोलर टेलीस्कोप, जो कि सोलर एक्टिविटी के बारे में या सोलर फ्लेयर के बारे में पता चलेगा, जो कि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी उदयपुर में बन रहा है। यहाँ पे के आसपास क्या पानी है बीच में वो है, तो उससे टेम्परेचर कम रहता है, और ये क्लाउड टेलीस्कोप की तरह काम करेगा। तो ये सेस्मिक इफेक्ट जो सूरज का है फ्लेयर्स का, या फिर सन फ्लेयर्स जो हमने उस दिन 2 3 दिन से मैप भी देखे थे, जो सोलर फ्लेयर्स होते हैं उनकी रीडिंग की क्या इम्पैक्ट होता है उसका, और वो कैसे कैसे उसको प्रोजेक्ट या डिटेक्ट कर पाए, इसके ऊपर रिसर्च करेंगे। तो हमने 2 टेलीस्कोप देख लिए, एक तो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाला और एक आपका मस्त मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। बीच में गाता है एस्ट्रोबायोलॉजी मिशन इंडिया और नासा के बीच में चला है, नासा और इसरो के बीच में एस्ट्रोबायोलॉजी मिशन, जिसमें कि लद्दाख में ये लोग स्टडी करेंगे ये चेक करने के लिए क्या इसकी कुछ टोपोग्राफी जो है वो मार्शियन सराउंडिंग से मिलती है कि नहीं। जो भी देखिए लद्दाख और मार्स के कुछ हिस्से को इनका मानना है कि हो सकता है इनका जो जो फिजिकल या जो जियोलॉजिकल सिचुएशन है वो कुछ हद तक बराबर है, क्योंकि लद्दाख भी बिल्कुल ठंड सर्द पड़ा हुआ इलाका है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है और ड्राई इकोसिस्टम है पूरा। तो उन्हें उम्मीद है कुछ जो हमारे प्लैंड या हमारा पूरा प्लैनेट है, इसका जो एवोल्यूशन हुआ है, मैंने प्लांट्स लिख दिया प्लैनेट होगा, ठीक है, जो हमारे पूरे ग्रह का जो एवोल्यूशन हुआ है उसके प्रथम जो चरण रहे होंगे, कि पहले भाई बहुत ठंड थी, कुछ बेसिक जो एनिमल एवोल्यूशन हुआ उसके बारे में स्टडी कर पाएंगे, और बिल्कुल ऐसा ही वो कुछ मार्क्स पे कर पाएंगे, ऐसी उम्मीदें की जा रही हैं। ये मिशन कई जगह चलाए जा रहे हैं, जैसे कि अंटार्कटिका में, आर्कटिक में, और पेरू में, चिली में, और भी 3 4 जगह थी जहाँ से काम चल रहा है। तो लेकिन इंडिया में कहाँ पर चल रहा है एस्ट्रोबायोलॉजी मिशन, वो चल रहा है लद्दाख में। लद्दाख में क्यों, वहाँ पर रेडिएशन ज़्यादा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्सपोज, हाई UV एक्सपोजर है, और ट्रॉपिकल फीचर्स वैसे हैं जो उम्मीद की जा सकती है कि मार्स से मिलते हुए हमें कुछ सुराग दें कि कैसे एवोल्यूशन हुआ था। आपको मैंने जो ये यूवी रेडिएशन की स्पेक्ट्रम है ये उस दिन बताई थी, तो आई गेस कि आपको याद होगा। मस्त मस्टली एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप होगा, जो सोलर फ्लेयर्स या फिर जो सोलर एक्टिविटी है उसको चेक करने में मदद मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड का मूवमेंट क्या सब कुछ पता चलेगा। इससे कहाँ पर है, ये उदयपुर में है, जो कि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी वहाँ लगाया गया। ये कि एक ग्रिगोरियन क्लाउड काउट टेलीस्कोप है, 50 सेंटीमीटर एपरेचर का, और ये कई हाइट्स से वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड्स की डिटेलिंग ले पाएगा, जिससे हमें सेस्मिक इफेक्ट पता चलेगा। सोलर सेस्मिक इफेक्ट मतलब कि उसका हमारे जो जियोमॉर्फोलॉजी उस पर क्या असर पड़ता है उसका, ये हमें पता लगेगा मस्त के थ्रू। दो चीज़ें, अच्छा ये 2 पॉइंट शायद इंपॉर्टेंट लगे। GSAT-18 इंडिया ने हाल ही में लॉन्च किया था, लेकिन इंडिया में GSAT-18 जैसी हैवी जो सेटेलाइट है उनको लॉन्च करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो इंडिया ने वो जो फ्रेंच गुयाना है वहाँ से लॉन्च किया था। लेकिन जब हाल में GSLV Mk3 लॉन्च होगा कुछ महीनों के अंदर, तो इंडिया को पता लगेगा कि कैपेबिलिटी कितनी बिल्डअप हुई है, और शायद उसके बाद हम हैवी सेटेलाइट भी लॉन्च कर पाए। एक इम्पॉर्टेंट ये भी है, नार्ल नेशनल एटॉमिक रिसर्च एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, ये दुनिया की पहली लो लैटिट्यूड लेबोरेटरी है जो कि त्रिपोती में है, ठीक है। तो ये आपके 4 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थे आई थिंक। और साइंस एंड टेक में इतना ही करना है हमें, देख चंद्रमान 1 कर लिया, चंद्रमान 2 कर लिया, गगन कर लिया और नाविक कर लिया, और हमने एरिस टेलीस्कोप, एस्ट्रोबायोलॉजी मिशन, मस्ट टेलीस्कोप और नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी के बारे में बात की है। साथ में एक जो कि एक कैपेसिटी नहीं है GSLV-18 टाइप, सॉरी GSAT-18 टाइप सेटेलाइट लॉन्च करने की, इन सब बातों में। तो अब पढ़ते हैं पॉलिटी की तरफ, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे आर्टिकल 35 और कुछ फंडामेंटल राइट्स के इशू, क्योंकि आर्टिकल 36 से आगे हमारा क्या है, क्या है 36 से बताइए, बहुत फेमस है। पार्ट 3 खत्म होता है, पार्ट 4 स्टार्ट होता है, हमारी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। तो आर्टिकल 35 के अंदर के तहत वो शक्तियाँ आती हैं जिससे हमें पता लगता है कि फंडामेंटल राइट्स को लेकर कुछ प्रावधान थे हमारे मौलिक अधिकारों लोग, जो हमें बताते थे कि संसद ये कर सकती है, संसद वो नहीं कर सकती है। हमने पढ़ लिए फंडामेंटल राइट्स क्या हैं,
अब हम पढ़ेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स है जो हमसे छीन, कई कई जगह फंडामेंटल राइट्स पे कई क्वालिफिकेशन है, मतलब कुछ हर जगह सार्वभौमिक नहीं है, कई जगह ने कई जगह कोशिश की गई इनको रोकने की, कई इन पे क्लॉज लगे हुए हैं, वो क्लॉज कैसे लगते हैं और कौन लगाता है, ये आर्टिकल 35 में लिखा हुआ है। ये पावर देता है पार्लियामेंट को कुछ चीजें करने की जो कि वो फंडामेंटल राइट्स के साथ कर सकता है, पर स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता। ठीक है, बेसिक डिफरेंस ये 35 नंबर हमें ये बता रहा है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं हमारे मौलिक अधिकारों को लेकर जिसमें कि पार्लियामेंट तो कुछ कानून बना सकता है उनको ओवरलूप करने के लिए थोड़ा बहुत, पर स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता। जैसे आर्टिकल 16 के तहत जो कि सबको स्टेट के एम्प्लॉयमेंट का अधिकार है, आर्टिकल 16 पता होना चाहिए आपको, उसके अंदर एक क्राइटेरिया होता है रेजिडेंस क्राइटेरिया कि मतलब इस शहर के लोग या इस राज्य के लोग ही ये नौकरी के लिए एलिजिबल होंगे, आरक्षण को मिलेगा। ये चीजें आप स्टेट लेजिस्लेचर पास नहीं कर सकता है, कौन करेगा? पार्लियामेंट। पावर टू एम्पावर कोर्ट्स, मतलब मैंने बताया था आपको कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई और कोर्ट निचले वाली भी रिट को जारी कर सकती है अगर उनको पार्लियामेंट लॉ बना के बता दे कि भाई तुम भी रिट जारी करो, पर अभी तक किसी ने नहीं किया। ये सारी चीजें कौन कर सकता है? सिर्फ स्टेट पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती। हालांकि यहाँ पे हाई कोर्ट की बात है और यहाँ जो रेजिडेंस क्राइटेरिया है वो स्टेट में लग रहा है, परंतु वो सारी चीजें कौन करेगा? पार्लियामेंट। फंडामेंटल राइट्स जो आर्म फोर्सेस है या फिर जो आफ्सपा जैसे इंडेमनिफाइंग क्लॉजेस है वो कौन लगा सकता है? पार्लियामेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती। जो भी आर्टिकल 17 या आर्टिकल 23, क्या है आर्टिकल 17, क्या है आर्टिकल 23 बताइए मुझे। फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कवर कराया भी गया था पहले, पता है 17 में क्या और 23 में क्या। इस पर जो सजा होती है वो भी पार्लियामेंट डिसाइड करती है ना कि स्टेट गवर्नमेंट। अनटचेबिलिटी और 23 मतलब क्या है बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। फंडामेंटल राइट्स को रटा होना चाहिए आपको, अप टू आर्टिकल 51 कोई कारण नहीं है कि आपको न याद ना हो, 51 तक सब कुछ याद होना चाहिए। कोई लॉ जो भी सॉरी एनी लॉ विच इज गोइंग ऑन विल गो ऑन, सॉरी यहाँ पे स्पेस है, जो भी लॉ चला जा रहा है अगर जब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का आया था 1950 में, उसके बाद से लेके जो भी लॉ था वो लॉ तब तक चलता रहेगा जब तक पार्लियामेंट उसके खिलाफ कोई लॉ नहीं बनाता। मतलब अगर वहां पे लिखा हुआ कि भाई सिस्टम ये है, सिस्टम वही रहेगा, पार्लियामेंट ही उसको बदल सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता। तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए 35 नंबर, ये कौन सा काम स्टेट कर सकती है कौन सा पार्लियामेंट कर सकती है। ओवरऑल फंडामेंटल राइट्स को लेकर कोई भी बात है वहां पर कुछ भी स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता, सब कुछ पार्लियामेंट ही करती है, बेसिकली इतना ही है। अब देखिए एक्सेप्शन टू FR, मौलिक अधिकारों को लेके कुछ हमारे चीजें जो उनको रोकते हैं, मतलब उस पे लगाम लगाते हैं, वो क्या क्या है। देखिए आर्टिकल 31 जो था राइट टू प्रॉपर्टी था, हमें पता है जो कि पहले एक मौलिक कर्तव्य था, बाद में इसे हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? कि कहा गया था भाई DPSP जो डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ प्रिंसिपल्स हैं उसके तहत जो समाज कल्याण करना था उसमें ये बात बाधा पड़ रही थी, इसलिए इसको हटा दिया। अब देखिए आर्टिकल 31 ही हटी, 31 हट गया, 31 हट गया, बस उसके बाद कुछ क्लॉजेस थे जो जोड़े गए थे, जिसे क्या है आर्टिकल 31 ए कहता है कि ऐसी 5 कैटेगरी के लॉ हैं जिनको आप फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 या 19 के तहत कि भैया हमारा समानता का या हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो छिन गई, ये कह के आप नहीं कह सकते कि भाई ये चैलेंज कर सकते। वो 5 चीजें कौन कौन सी है? जब कोई स्टेट या उससे रिलेटेड राइट स्टेट छीनता है, स्टेट वगैरह मतलब पहले नहीं, राजा रजवाड़े हुआ करते थे भाई, हम यहाँ के शहनशाह या राजा थे, तो वो नहीं जा सकते कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट छीन लिया, समानता का अधिकार, या फिर मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो स्टेट की है वो छीन लिया, या फिर आपको कॉरपोरेशन की एमलगेमेशन हो गई, या फिर डायरेक्टर या कोई कॉरपोरेशन के स्टेट होल्ड शेयर होल्डर या डायरेक्टर है उनकी जो वो मॉडिफिकेशन करे राइट्स में, या फिर माइनिंग लीज जो चेंज करे, तो इन चीज़ों को लेके आप नहीं जा सकते कोर्ट की भाई हमारे अधिकारों को ठेस पहुंचे। ये इसलिए है क्योंकि ये सब चीज़ें लंबे स्तर पे हमारे लोगों के हित को चोट पहुंचा सकती है। क्या क्या है? स्टेट की बात की है, शेयर होल्डिंग होल्डिंग की बात की है, मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स, माइनिंग लीज की बात की है, कॉरपोरेशन एमलगेमेशन की बात की है, और मैनेजमेंट की बात की है प्रॉपर्टी जो स्टेट चलाता है। ठीक है, ये तो बेसिक सी बात है, 31 ए में यही है, ये सबको बताना चाहिए कि भाई बड़ी बड़ी चीजें गवर्नमेंट खुद ही करती है। 31 ए स्टेट को इम्यून, स्टेट लॉ को इम्यून नहीं करता जुडिशियल रिव्यू से, याद रखिए 31 ए पे आप जुडिशियल रिव्यू लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है तभी तक जब तक कि प्रेजिडेंट कंसल्टेशन के लिए ना गया हो। ठीक है, अगर इसको एसेंट मिल गया तो फिर आप नहीं जा सकते रिट के खिलाफ। 31 ए में आपको पता लग गया कौन कौन सी चीजें जहां वो जहां पार्लियामेंट जो है अपने लंबे लंबे कानून बना सकती है और आप उसको नहीं क्लेम कर सकते, जो बड़े स्टेट वालों की बात हो गई, शेयर होल्डिंग या फिर इस तरह की प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की बात आ गई। 31 बी के तहत क्या है कि 9 शेड्यूल के अंदर जो भी आता है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते थे, पहले तक ये बात थी। 9 शेड्यूल कहते हैं द ब्लैक होल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये इसलिए बनाया गया था कि भाई जुडिशियल रिव्यू से बचाया जा सके और कोई केस ना कर पाए, तो 9 शेड्यूल। लेकिन केशवानंद भारती केस के बाद शायद, हाँ आई थिंक उसी के बाद कि 1973 के बाद, नहीं,
आई थिंक मिनर्वा मिल्स केस की जजमेंट है ये। अरे यार मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा। 1978 जजमेंट के बाद क्या था कि अब उसके बाद से 9th शेड्यूल में जो भी 73 के बाद एड ऑन हुआ है, सो हाँ केशवानंद भारती के बाद जो भी केस एड ऑन हुआ है 9th शेड्यूल के अंदर, आप उसको जुडिशियल रिव्यू के तहत, वो जुडिशियल रिव्यू के आता है, उसके बाद केस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बेसिक स्ट्रक्चर का हनन करता है वो। बी का देखिए 9th शेड्यूल था जो कि 1973 से पहले को आप चैलेंज नहीं कर सकते, 73 के बाद आप सबको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है, केशवानंद भारती केस के बाद से। अब देखिए आर्टिकल 31C जो 1971 में ऐड किया गया, इसमें दो प्रोविजन थे। एक, कोई भी लॉ जो सोशलिस्ट डायनेस्टिक प्रिंसिपल को टच करता है उसको आप 14 या 19 के लिए चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है, और जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं जा सकते। देखिए दो बातें हैं जो मैंने कहा कि एक ये पॉइंट देखिए, नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन दैट इज गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शैल बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट डजंट गिव इफेक्ट टू सच अ पॉलिसी। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में डिक्लेयर किया था कि आर्टिकल 31C का जो सेकंड प्रोविजन है, ठीक है, ये इलीगल है। ये क्या कह रहा था कि भाई जुडिशियल रिव्यू के लिए तुम जा नहीं सकते, जो भी चीज 31C के अंदर आ रही है उसके बाद जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं जा सकते। तो इसने कहा था कि भाई बिल्कुल इनवैलिड है, आप जा ही सकते हो, जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और ये नहीं छीना जा सकता। गौर फरमाइए 31C का सेकंड क्लॉज जो था, जो बोलता था कि कोई लॉ जिसके अंदर ये डिक्लेरेशन है कि आप पॉलिसी को लेकर काम करें, सोशलिस्ट पॉलिसी को लेकर, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, उसकी जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं जा सकते, वो कैंसिल हो गया। लेकिन पहला वाला जो क्लॉज है वो अभी तक है कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल 31, 39 बी और सी जहां भी आता है वहां आपका आर्टिकल 14 और 19 घास खाने चला जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर डीपीएसपी के तहत कोई काम हो रहा है तो आप चैलेंज, आप उसको 14 या 19 के तहत चैलेंज नहीं कर सकते। डिफरेंस ये है, ये हमें बताता है कि जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स है, हमारा संविधान डीपीएसपी की ओर झुका हुआ है, ठीक है। मतलब सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स जो है, एफआर वर्सेस डीपीएसपी डिबेट जो है, इस पे एक वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा, एफआर वर्सेस डीपीएसपी की, फंडामेंटल राइट्स बनाम डायरेक्टिव पॉलिसी में तहत क्या क्या फर्क आता है और क्यों कहा जाता है कि अभी तक हम डीपीएसपी की तरफ टिल्ट है कि आप 14 और 19 नहीं लगा सकते अगर एक बड़े स्तर पर सामाजिक बदलाव या फिर उसके तहत उसके लिए कानून बनाएगा, सिर्फ पढ़ाई के लिए हुआ या शिक्षा के लिए हुआ या फिर भूमि अधिग्रहण, ये सारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल में आ जाते हैं भाई, हम पूरी सोसाइटी के भले के लिए कर रहे हैं इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। तो बेसिकली आज इतना ही है। 31A B C हमने कर लिया, हमें देख लिया 35 क्या है, और इसके बाद हम कल से हम अपनी DPSP स्टार्ट करेंगे। सॉरी मैंने वो बोल दिया, तो DPSP स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या आता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारी पढ़ाई के लिए। 35 to 51। थैंक यू वेरी मच। अपने फीडबैक, सजेशन या क्वेश्चंस आप onlys.com पे डाल सकते हैं। हिस्ट्री सीरीज को लेकर कई लोग बातें कर रहे थे, तो हम कोशिश करेंगे कि एंशिएंट की सीरीज दोबारा स्टार्ट की जाए इस हफ्ते में कुछ।